हेलो सीफेरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभांशु एंड यू आर वाचिंग कप्तान चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्विक अपडेट के बारे में रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द सीडीसी, मेनली द एसटीसीडब्ल्यू सीडीसी, और उन लोगों की सीडीसी रिजेक्ट हो गई है दो दो तीन तीन महीने बाद। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। जो पहला अपडेट मुझे आपको देना है, आप लोग अब जो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, जो न्यू सीफेरर्स हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है या जो रीअप्लाई करेंगे सीडीसी के लिए, वो लोग प्लीज़ ध्यान रखना कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो कलर अपलोड करना एंड स्कैन साइन इन सेल्फ अटेस्ट करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वेदर योर टेंथ मार्कशीट, योर एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स, योर पासपोर्ट, कुछ भी है, उसमें क्लियरली मैंशन है जहाँ जहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जब ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लियरली मैंशन है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। तो आप लोग क्या करना, एक तो इमेज क्वालिटी का ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने बाद लोगों की सीडीसी रिजेक्ट हो गई है। दे वर वेटिंग फ्रॉम दी 3 मंथ्स एंड उसके बाद उनकी सीडीसी रिजेक्ट हुई है। वो पेंडिंग में चल रहा था तब से प्रोसेस। डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जब वो लॉग इन करते हैं तो उसमें पेंडिंग दिखाता है, एंड बाद में उन्हें पता चलता है 3 महीने बाद डेट वो सीडीसी रिजेक्ट हो गई है। और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आई है वो आई है पासपोर्ट में। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट मंगाए थे इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि अभी सीडीसी नहीं आई है एंड अभी सडनली उनके डीजी शिपिंग वेबसाइट पे ये आ गया है लिखा हुआ डेट आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। सो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स आप अपनी तरफ से एक बार श्योर हो जाओ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट ना हो। उनकी तरफ से लेट हो रहा है फ्रॉम द डीजी शिपिंग, वहाँ पे भी लेट हो रहा है। 30 डेज के अंडर, विद इन 30 डेज सीडीसी नहीं आ पा रही है, लेकिन आप अपनी तरफ से प्लीज श्योर हो जाओ कि आप जितना काम कर रहे हो एटलीस्ट वो ठीक हो। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको स्कैन, आपको डॉक्यूमेंट्स कलर अपलोड करने हैं और उनको स्कैन करना है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, उनको उसी में रीअपलोड ऑप्शन में जाना है और डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने हैं। बाकी टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि उनका डिले हो गया है थोड़ा। तो आप लोगों को करना क्या, प्लीज़ आप ध्यान रखो। मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट मंगाए, उनकी इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी, ब्लर था पूरा इमेज, उसमें पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं आ पा रहा है कि उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है, पूरी इमेज ब्लर है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान रखना, ये तो दूसरी चीज़ थी। थर्ड थिंग ये, आप लोग खुद पर्सनली अप्लाई नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो खुद अप्लाई नहीं करते हैं, आई नो दैट। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ साइबर कैफे, तो उन लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं होता। डू वन थिंग, सिट देयर, चेक इट कि वो क्या अपलोड कर रहा है, वहाँ पे बैठो, उसको बोलो कि भैया आप जो स्कैन कर रहे हो एक बार मुझे दिखा दो। आप वो स्कैन जो भी है उनके मॉनिटर पे एक बार चेक कर लो कि वो कौन सी क्वालिटी स्कैन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो ब्लर है थोड़ा भी, तो प्लीज़ उनको बोलो कि भैया इसको रीस्कैन करके डाल दो, बिकॉज ये वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे जाके नहीं होगा, वो पेंडिंग में चला जाएगा और बाद में वो उसको डिसअप्रूव कर देंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। ये मुझे क्विक अपडेट आपको देने थे रिगार्डिंग सीडीसी। सो इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर सीफेयरर्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो लोग अप्लाई करने वाले हैं सीडीसी के लिए, एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।